नमस्कार। एक विशेष बुलेटिन और विशेष सूचना के लिए आपके साथ में एक खबर मिली फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन से कि विद्यापीठ रोड पर एक बियर शॉपी में चोरी हो गई। बियर शॉपी चूंकि बंद थी, लॉकडाउन के चलते सभी बियर शॉपी को करीब करीब सील कर दिया गया था और वहां पर चोरी हो गई। चोरों ने एक्साइज द्वारा लगाई गई सील तोड़ दी और शटर का ऊपर उठाकर ताला तोड़कर 25 बॉक्स बियर के उठा कर ले गए। ये नए प्रकार की चोरी है क्योंकि सरकार ने पूरी तरह दारू पर भी पाबंदी लगा दी है। अब आवश्यक चीजों के लिए सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन कई लोगों के लिए दारू भी बहुत आवश्यक है ऐसा लग रहा है, क्योंकि चोरी जिस ढंग से हुई है, लोग पैसे के लिए चोरी करते हैं, कोई सोने के यहाँ सोने के लिए चोरी करता है तो कोई सामान के लिए चोरी करता है, कई लोग किराने के खाने के लिए भी चोरी करते हैं, जिसके घर में खाने को नहीं रहता खाने के भी चोरी कर लेता है। लेकिन अब दारू की चोरी नई प्रकार की चोरी आ गई, तो या तो दारू चालू हो जाए तो लोग चोरी नहीं करें और लोग घूमे नहीं सड़कों पे। अब दारू बंदी और इसमें लोगों का जो शौक लगा हुआ है, जब हम वहां पर हमारा सिटी न्यूज का रिपोर्टर गया तो वहां कई बोतलें ऐसी दिखी कि जैसे दारू अभी पी गई थी या बियर बेची गई थी, ऐसा दिख रहा था। क्योंकि नीचे की शॉपी में भी सील थी और ऊपर के गोडाउन का भी ताला तोड़ा था, चोरी शॉपी में हुई, गोडाउन का भी ताला टूटा था। पूछने पर बताया कि अजय बुल्ला ने माझे मालकीचे प्रेसिडेंट बियर शॉपी असून काल दुपारी 3 वाजता मला मार्केटमधल्या माझ्या दुकानदारांनी फोन केला आणि माझी बियर शॉपीच्या मागच्या बाजूचं शटर तोडून जवळपास 45 ते 50 पेटी बियरच्या माल या ठिकाणून चोरून नेला। आणि आता पोलीस रिपोर्ट झालेला आहे, FIR झालेला आहे, काल पोलीस पथकसुद्धा इथे येऊन गेलं, एक्साईजचे साहेबसुद्धा इथे येऊन गेले, डॉग स्क्वॉडसुद्धा येऊन गेला आणि पुढील अधिक तपास चालू आहे। बरं, या ठिकाणी आपल्या बारला म्हणा की बियर शॉपीला सील लावलेलं होतं, बरोबर सील लावलेलं होतं, पण ते एक्साईजच्या साहेबांनी जे शटरची दुरुस्ती करायची होती, काही वेल्डिंग वर्क्स करायचं होतं, त्याच्यासाठी आम्हाला उघडण्याची परवानगी दिली। ते स्वतः हजर होते की आपण स्वतः उघडलं? स्वतः हजर होते, पण आता काही दिसत नाही एक्साईज अधिकारी। नाही आता नाही, आता ते काल त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ते दुरुस्ती करून घ्या आणि मला कळवा, आता ते आज परत आज किंवा उद्या ते परत सील लावतो। गोडाऊनचं सील सुद्धा त्यांनी तोडलं का? वरती गोडाऊन आहे नाही, ते फुटेज घ्यायसाठी कम्प्युटर वर होतं, ते फुटेजचा एक्सपर्ट आणला होता मी, त्याचं फुटेज सुद्धा मिळालं आहे। गुलाल साहेब, तुमच्या वरच्या मजल्यावर 4-5 बॉटला पडलेल्या, म्हणजे आता नवीनच तयार ठेवलेल्या आहेत, काय सांगाल आपण? आतमधले बॉटल वर कोणी पिले असेल? नाही, ते आधीच्या वगैरे पडलेले असतात। CCTV फुटेज ऊपर थे इसलिए ऊपर की सील तोड़नी पड़ी। हालांकि जब संचालक से मिले तो उन्होंने कहा कि एक्साइज अधिकारी की उपस्थिति में यह सील तोड़ी है और वो वापस सील लगाने अभी आए नहीं थे, क्योंकि जब हमारा कैमरा और सिटी न्यूज़ की टीम वहाँ गई थी तो सील टूटी हुई थी और कई जगह ऐसे लग रहा था कि ताजी अभी बियर वगैरह पी हो सकती, कई बार हो सकता है बियर उसमें पड़ी रह रही भी, लेकिन कई बोतलें वहाँ ऐसी पड़ी थी। कई लोगों को ऐसा अंदेशा था, वहाँ से शिकायत आई कि छुप छुप के दारू बेची जा रही है, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो उनके कहा कि चोरी के कारण, एक्चुअली चोरी हुई, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है और दारू बेचते नहीं पता, लेकिन कई जगह अमरावती में चोरी छिपे दारू बेची जा रही है, बियर बार से भी दारू बेची जा रही है। कई बार के तो ऐसे मिले कि सुबह 4:30 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले रहते, क्योंकि पुलिस भी रात भर ड्यूटी करके थक जाते हैं, तो सुबह 4:30 से 6 का ऐसा समय रहता कि कहीं कोई भी ड्यूटी पर दिखता नहीं। ऐसे समय लोगों के शौक देखिए कि दारू के लिए सुबह 4:30 बजे उठकर भी दारू लेने चले जाते हैं, तो क्यों नहीं, यानी दारू चोरी से बेचना है तो निश्चित रूप से दारू ब्लैक में बिकेंगी। कहीं ना कहीं इन चीजों की जानकारी ऐसा माना जाता है कि एक्साइज वालों को और पुलिस वालों को रहती है, नहीं भी रहती होगी तो आरोप लग जाता है कि उनको जानकारी रहती है। अब कुछ लोगों के कारण जो पूरे पुलिस वाले रात दिन मेहनत कर रहे हैं कोरोना से भगाने के लिए, कोरोना की रक्षा के लिए, ताकि जनता की रक्षा हो सके, लोग एक दूसरे से मिले नहीं, लोग अलग रहे, इन चीजों के लिए जो सरकारी प्रयास हो रहे, निश्चित पहला
कहाँ उसमें पुलिस का था, लेकिन ऐसे काम होते तो फिर लोगों की उंगलियां पुलिस पर उठ जाती है। तो बेहतर है, जैसा ऋषि कपूर ने भी कहा कि भाई दारू सुबह यदि आप 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक भी यदि दारू की बिक्री करें तो दिन भर किसी को भगाने का पुलिस को काम ही नहीं पड़ेगा, लोग दारू पी के टुन होकर घर में पड़े रहेंगे और 3 से 6 तक दारू की बिक्री भी हो जाएगी और उस टाइम बहुत ज़्यादा रश भी नहीं रहता है और जिनको दारू पीनी होती है वो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही लेते हैं, ऐसे में उन्हें ऊंचे दाम में भी लेनी पड़ती है, कई बार खराब दारू मिलने का भी शंका होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कई लोगों के ऐसे है कि भाई कम से कम दारू चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि दारू लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए आवश्यक होती है, कई लोगों का शौक है लेकिन कई लोगों को बिना दारू के नहीं चलता है, तंबाकू के बगैर नहीं चलता है, ये ऐसे शौक है जिनके कारण आदमी बेचैन हो जाता है। एक और दुकान जिसमें हम चाहेंगे कि वह भी कम से कम नाई की दुकान भी हफ्ते में एक दिन तो खोलनी चाहिए, क्योंकि क्या है दाढ़ी तो आदमी घर पर बना लेता है, कटिंग कराने कहाँ जाएगा। ऐसे कई आवश्यक काम है जो हम इस माध्यम से, चाहे आप इसे मजाक में समझिए चाहे इसको सीरियस लीजिए, लेकिन बाल काटने आदमी कहाँ जाएगा, दारू बगैर कैसे रहेगा, तंबाकू बगैर कैसे रहेगा, ये ऐसे शौक जो पाले हुए एक तंबाकू के भरोसे हाथ में ऐसे घोटते घोटते कई लोगों ने काम करा लिए, एक दारू की बोतल से कई बड़े बड़े काम हो गए जो पैसे से नहीं होते, कई बड़े सोर्स से नहीं होते, दारू की एक शीशी के कारण काम हो जाते, एक पैक के कारण काम हो जाते। तो इतनी बड़ी चीज और इतना महत्वपूर्ण आइटम सरकार कैसे भूल गई, तो लोगों को चोरी छिपे बेचने का काम पड़ रहा है, चोरी छिपे दारू ना बेची जाए, इसके लिए अब लोग कहाँ कहाँ, पुलिस कहाँ कहाँ ध्यान देगी, कितनी दारू की दुकान, हर दारू की दुकान के बाहर तो पुलिस नहीं खड़ी रह सकती ना, अब लोग तो दारू के लिए जुगाड़ कर ही लेंगे, रिक्स लेके लोग दारू भी देते, समय है उनका, क्योंकि शाम के समय पुलिस का बहुत रश रहता है, दोपहर में 12 बजे के बाद पुलिस का रश बढ़ जाता है, शाम के तरह नाकाबंदी, तो इन्होंने समय लिया सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। हालांकि आप कहोगे कि इसके प्रूफ दो, तो ये प्रूफ ढूंढना हमारा काम नहीं है, नहीं इसलिए के लिए हम तैयार भी है, लेकिन बिकती है, कई जगह से सूचना आती है, सुबह सुबह फोन आते हैं कि साहब हमारे यहाँ दारू बिक्री, कई जगह हमारे को फोन भी आते हैं कि इतना बंद के बावजूद लोग जुए के अड्डे चला रहे हैं, जुए के अड्डे में भी वापस एक तरफ संगठित होकर बैठा, अभी 2 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जुए के अड्डों पर छापे मारे गए, वहां से लोग भी पकड़े, ये भी पकड़े। तो ऐसे कामों में जहां पूरे देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, कुछ लोगों ने संयम बरतना बहुत जरूरी है, जुए की लत भी ऐसी है कि बिना खेले उनको जमता नहीं, हालांकि कुछ दिन यदि यह बंद रहा तो जुए में जितने लोग बर्बाद होते निश्चित रूप से कोरोना कम से कम उसको जरूर सुधार देगा, तो ऐसे समय संयम पालना चाहिए, और दारू के लिए तो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं, नहीं तो एक ऐसी भी व्यवस्था हो सकती कि दारू की घर पहुंच व्यवस्था, हर सब चीजों की घर पहुंच व्यवस्था हो रही, दारू भी सुबह 4 से 6 बजे तक का यदि समय दे दिया जाए कि घर पहुंच डिलीवरी मिलेंगी, तो सुबह बहुत सारे लोग काम से लग जाएंगे और घर के लोग बाहर बहुत ज्यादा लोग आपको मिलेंगे नहीं, पुलिस को भी परेशानी, लोग भी घर में सुरक्षित, बाहर के लोग सुरक्षित, क्योंकि कोई पीकेट टून हो जाएगा उसके बाद घर से बाहर निकलने का मतलब ही नहीं आता, तो इस योजना पे भी उपाय करना चाहिए कि घर पहुंच दारू मिलेंगी, और उसमें भी लेकिन एक चीज और है, आपको कंट्रोल रेट तय कर देने पड़ेंगे, पौवे का रेट इतना है, अधे का रेट इतना है, विस्की का 30 ml का पैक इतने का आएगा, 60 का पैक कितने कितने के आते हैं मुझे नहीं पता, लोग 90 60 की बात करते रहते हैं, उसकी भी क्वार्टर बोटल आती है, अद्धा आता है, कुछ खंबा बोलते हैं, कुछ पौवा बोलते हैं, ऐसे कई सारे नाम है, सबके कंट्रोल रेट तय कर देने चाहिए कि इस रेट में भाई ये दारू है 100 रुपये में मिलेगी, ये 150 में मिलेगी, 120 में मिलेगी, अब घर पहुंचने का चार्ज जो 200-300 रुपये अलग से चार्ज कर सकता है, घर पहुंचा के 200 रुपये अलग लूंगा, 100 रुपये अलग, उसमें दारू ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, दारू का यदि आपने रेट बांध दिया है कि 100 रुपये तो 100 रुपये बिकेगी, घर पहुंचाने के 200 रुपये जरूर वो ले लेगा, तो उससे दारू भी ब्लैक नहीं होंगी और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ये तो होगी दारू से संबंधित बात, फिर भी आपसे निवेदन है कि किसी भी कारण से कहीं पर भी भीड़ जमा हो, चाहे वो दारू हो या सट्टे की दुकान हो या पान टपरी हो या खर्रा खाने जाना हो या आपको तंबाकू घुटने जाना हो, कृपया भीड़ न जरे,
करें। तंबाकू से भी हो सकता है किसी के हाथ में वायरस हो, घूटते घूटते उसके वायरस आपके पास में आ जाए, सीधे मुंह के अंदर जाएंगे और फिर क्या होगा पता नहीं। बहुत सुरक्षित है आज हमारा अमरावती कि आज तक अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भी अभी तक कोई कोरोना की केस अमरावती शहर में नहीं मिली। इन्हीं चीज़ों पर आप संयम पाले, थोड़ी दूरी बनाए रखें। अपराध अपनी जगह है, क्राइम अपनी जगह है, आपके शौक अपनी जगह है, सब चीज़ों में हमारा बताने का उद्देश्य है, हमारा कतई ये नहीं कि आप दारू पियो, दारू मत पियो, दारू की दुकान खोलो मत खोलो, जुआ खेलो नहीं खेलो, सिर्फ एक है कि हर जगह अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, 3 से 4 फुट की दूरी कम से कम बनाए रखिए, ताकि आपको कोई संक्रमण नहीं फैले, आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके पड़ोसी सुरक्षित रहे, आपके साथ में हम भी सुरक्षित रहे, क्योंकि आप घर में बैठे हो, हम बाहर जा रहे हैं आपके लिए। कुछ थोड़ी बहुत हमारी चिंता भी कीजिए, हमें भी सुरक्षित रहिए, हमारी सुरक्षा का एक ही कवच है कि आप घर से बाहर ना निकले। फिर मिलेंगे नए किसी बुलेटिन के साथ, आज के लिए बस इतना ही है।